नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब वीडियो के थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज हम भारत की हाल ही में किए गए K4SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्चेड बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये टेस्ट भारत के नजरिए से कितना महत्वपूर्ण थे और आने वाले समय में ये मिसाइल कैसे हमारी न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 दिसंबर को यानी कि दो दिन पहले ही ये खबर सुर्खियों में थी कि भारत ने K4SLBM की एक ही हफ्ते में दो बार सफलतापूर्वक टेस्ट कर चुका है। हम सब जानते हैं कि आधिकारिक रूप से इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर बताई जाती है और इसको अरिहंत क्लास के परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन में तैनात किया जाएगा या फिर कह सकते हैं कि किया जा चुका है। K4SLBM दरअसल भारत के सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को और ज्यादा मजबूत करता है। इसकी मारक क्षमता ऑफिशियली 3500 किलोमीटर है, जो कि अपने साथ 2 से 2.5 टन की वायहेड को ले जाने में सक्षम है। लेकिन अगर इसकी पेलोड या वायहेड का वजन 2 टन से घटाकर 1 या 1.5 टन किया जाता है तो इसकी रेंज बढ़कर 5000 किलोमीटर तक जा सकती है। खैर, ये तो गई इस मिसाइल की रेंज और वायहेड की बात, लेकिन असली मकसद है न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करना, क्योंकि अरिहंत क्लास के SSBN में अभी सिर्फ K15SLBM तैनात है, जिसका रेंज 750 से लेकर 1500 किलोमीटर तक ही सीमित है। इससे हम चीन को निशाना नहीं बना सकते और यहाँ पर ही K4SLBM की जरूरत हमें पड़ती है। इसके आ जाने से हम आसानी से बंगाल की खाड़ी में अरिहंत को तैनात करके उसको सुरक्षित हमारे जल सीमा में रख कर भी चीन के हर एक बड़े शहरों को बड़ी आसानी से निशाना बना पाएंगे, यहाँ तक कि चीन की राजधानी बीजिंग भी इसके जब्त में आ जाएगा। भारत ने पहले ही अपने लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 से चीन के पूरे भूभाग को निशाना बनाने की ताकत हासिल कर चुका है। लेकिन लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स दुश्मन के फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक में तबाह होने के खतरे के साथ में आते हैं, लेकिन अगर एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी में आप ऐसी एक मिसाइल को तैनात करके उसको पानी के नीचे छोड़ देते हैं और वो अगर शत्रु की जल सीमा से बहुत दूर बैठ के बड़ी आसानी से चुपचाप एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल दाग देती है, तो शत्रु के बचने के चांस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि शत्रु को अगर बचना है तो उसे उस पनडुब्बी को ही ध्वस्त करना होगा जिसमें ये मिसाइल तैनात है। लेकिन उसे ढूंढ निकालना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी लोकेशन पानी के अंदर पता करने से पहले ही वो अपना स्थान परिवर्तन करता रहता है। और परमाणु पनडुब्बी होने के कारण ये समुन्दर के नीचे बहुत दिनों तक बड़ी आसानी से रह सकती है, क्योंकि इसको अपने बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए समुन्दर के सतह पर नहीं आना पड़ेगा कन्वेंशनल पनडुब्बियों की तरह, जिससे इसकी लोकेशन ट्रैक करना और भी मुश्किल बन जाता है। और ये बात आप सबको शायद पता हो कि अरिहंत को रूसी तकनीकी मदद से बनाया गया है और रूसी परमाणु पनडुब्बी दुनिया की सबसे उन्नत और बहुत ही साइलेंट यानी कि शांत बिना आवाज पैदा करने वाले घातक पनडुब्बियों में शुमार है। तो ये बात हम दावे के साथ कह सकते ही कि अरिहंत क्लास के परमाणु पनडुब्बियां भी रूसी पनडुब्बियों की तरह साइलेंट जरूर होंगे, जो इनकी स्टील्थ यानी कि दुश्मनों के जासूसी विमानों से या फिर एंटी सबमरीन वॉफिया विमानों से बचने में मदद करेगा। भारत ने अब ऐसी ही ताकत हासिल करके चीन के माथे पे पसीना ला दिया है। हालांकि चीन के खुद के पास ये क्षमता बहुत पहले से मौजूद है, लेकिन हिंद प्रशांत के क्षेत्र में उसके सामने जितने भी पड़ोसी या दुश्मन हैं, उनके किसी के पास ये ताकत नहीं है, एकमात्र भारत के सिवा। अमेरिका को यहाँ पे हम गिन नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका इस क्षेत्र का देश नहीं है। हालांकि अमेरिका ने भी अपने परमाणु पनडुब्बियों को कभी कभी इस क्षेत्र में तैनात करता रहता है। K4SLBM के हाल के टेस्ट के बाद चीनी मीडिया में इसे लेकर जोर चर्चाएं हो रही है कि भारत लगातार अपने परमाणु ताकत को बढ़ा रहा है और सबसे चिंता की बात ये है कि वो अपने सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को ताकतवर करने में जुटा हुआ है। ये स्वाभाविक है कि
चीन को K4 SLBM से मिर्ची लगे क्योंकि जो ताकत सिर्फ उसके पास था हिंद प्रशांत क्षेत्र में, वो ताकत अब उसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक प्रमुख दुश्मन भारत के पास भी आ गया है। चीन की सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स, जो कि भारत को हमेशा धमकी देता रहता है, फिलहाल वो इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। अब चीनी मीडिया को थोड़ा और डराने के लिए हम उन्हें ये जानकारी देना चाहेंगे कि भैया ये तो सिर्फ शुरुआत और एक ट्रेलर है, असली पिक्चर आना तो अभी बाकी है। दरअसल खबर ये भी आ रही है कि भारत बहुत जल्द अग्नि 5 के सबमरीन लॉन्चेड वर्शन यानी K5 SLBM का भी बहुत जल्द परीक्षण करने वाला है। K5 SLBM के डेवलपमेंट लगभग पूरा हो चुका है और फिलहाल इसके फाइनल असेंबली किए जा रहे हैं। आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि K5 SLBM की ऑफिशियल रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर तक होंगे और इसके पेलोड्स कैपेसिटी लगभग 2.5 से 3 टन के बीच में होंगे। K5 SLBM को अरिहंत क्लास के आखिरी 2 SSBN यानी कि S4 और S4 स्टार में और आने वाले समय में बड़े आकार के S5 SSBN में भी इस्तेमाल किया जाएगा। भारत K5 SLBM में भी रुकने वाला नहीं है। K5 SLBM के बाद भारत K6 SLBM को सामने लाएगा, जिसकी रेंज करीब 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक होंगे और इसमें 3 से 3.5 टन के विस्फोटक का इस्तेमाल हो सकते हैं, जो MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल से लेस होंगे। यानी K6 SLBM का एक अकेला मिसाइल अपने साथ 10 MIRV वॉरहेड ले जा सकेंगे, जो 10 अलग अलग जगह को एक साथ निशाना बनाने में सक्षम होंगे। इससे ये मिसाइल दुश्मन के एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम्स को बड़ी आसानी से चकमा दे पाएगा, जो इसको और घातक बनाएगा। हम आशा करेंगे कि DRDO ऐसे ही भारत के न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी को और अधिक मजबूती देता रहेगा और हमारे परमाणु पनडुब्बियों को और ताकतवर बनाता रहेगा, जिससे हम किसी भी दुश्मनों को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सके और कोई हमें परमाणु बमों की धमकी न दे सके, मगर हम अपनी आत्मा रक्षा में जरूरत पड़े तो अपने परमाणु क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल कर सके। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।